हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय जागरू और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिजिटल गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं एवरेज यानी औसत की। देखिए और एवरेज या औसत की अगर हम बात करें तो एवरेज या औसत क्या होता है? एवरेज या औसत आपके वो टर्म है जो आपके किसी एक ग्रुप के एक इमेजिनरी ऐसे टर्म को डिफाइन करता है जो किसी भी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट जो कॉमन होता है उन सब में उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर। कहने का मतलब है, आप सबको पता है कि अगर हम किसी भी एक ग्रुप की बात करते हैं उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यानी उसमें कई न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जो सब में कॉमन हो, जैसे हाइट, एज, सैलरी, मार्क्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनका एक ऐसा टर्म जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते देते हैं हम सब में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब में। मान लीजिए आपने ग्रुप का सम लिया, उस सारे सम को इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि प्रत्येक पर्सन के पास एक बराबर वैल्यू आए, तो वो क्या हो जाता है, उस ग्रुप का एवरेज हो जाता है उस न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को लेकर। अगर हम आगे बात करें तो उसके फॉर्मूलेज क्या हो जाते हैं। इसलिए इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या होगा, एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ली गई किसी भी चीज़ की। अब वो ऑब्जर्वेशन किसी भी की हो सकती है, 10 लोगों की एज का एज ली गई, 10 लोगों की सैलरी ली गई, 10 लोगों की हाइट ली गई, वेट लिया गया, कुछ भी है। तो अगर हम ऐसी 10-20 वो लेते हैं वैल्यूज, जैसे अभी यहाँ पे x1, x2, x3 और ये कहाँ तक गया, xn तक गया, ठीक है। तो जो आपका एवरेज है वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 यहां तक जितने भी टर्म थे ये xn तक, कहां तक, xn तक, उन सब का जो सम है उसे हम क्या करेंगे, ये सारे नंबरों से डिवाइड कर देंगे, सारे नंबरों से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हर व्यक्ति के पास इक्वल वैल्यू आ जाएगी उनका, चाहे उसके पास एक्चुअल में कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका एवरेज। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला बेस पहले बहुत आते थे एसएससी में, अब कम देखने को मिलते हैं, फिर भी हम लोग एक बार फॉर्मूलेज देख लेते हैं। क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा, एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आरआरबी के कितने लेक्चर हुए सर, तो सर ये आपका एसएससी की क्लासेस है, आरआरबी की आपकी सुबह क्लासेस चलती हैं, उसके अभी आपका शायद 7 या 8 लेक्चर हो चुके होंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा, एन प्लस वन बाय टू। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ 10 पहले नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, अब देखो 10 पहले नेचुरल इवन नंबर्स क्या होंगे, 2, 4, 6 और ये जाएंगे 20 तक। तो अगर आप टर्म देखोगे तो 20 टर्म है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो सिर्फ कितने होंगे, 10। तो यहां पे आपका एन क्या होगा, 10, ठीक है। इसी प्रकार से एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, 2n+1/6। बेसिक फॉर्मुलेज है, आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाकी आप इन्हें एक बार याद कर लें, ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आता है, एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। देखिए इस पर सवाल आ जाते हैं कई बार, अभी एसएससी में भी सवाल आए हैं। अब एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स यानी क्रमगत संख्याओं का अगर हमें औसत चाहिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम दो तरीके से देखेंगे कि इसे फॉर्मूले से कैसे बनाते हैं और अगर आप ट्रिक से जाएंगे तो कैसे करेंगे। बिल्कुल फॉर्मूले से नहीं करवाएंगे, परेशान मत होइए, कुछ लोग कह रहे हैं सर ट्रिक से करवाएगा, बिल्कुल ट्रिक, लेकिन किसी भी चीज की अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो उसका बेस सीखना जरूरी है। कोई इमारत के लिए अगर आपको खड़ी करनी है तो नींव डालनी जरूरी है, बिना नींव के इमारत क्या होगी, गिर जाएगी। बिना फॉर्मूलेज और बिना बेसिक कॉन्सेप्ट समझे आपका जो ट्रिक वाला पार्ट है वो क्लियर नहीं होगा। अभी आपको देखिए धीरे धीरे सब क्लियर होता हो जाएगा, परेशान मत होइए। अब देखिए आगे बात करते हैं एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की जब बात होती है तो पहले समझते हैं क्रमगत संख्याएं क्या होती है, ठीक है। क्रमगत संख्याएं होती हैं जो आपकी एक लगातार टर्म से चलती है, a+1, a+2, a+3, इस तरीके की जो आपकी संख्याएं होती हैं वो आप क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। और अगर इवन ऑड की बात हो जाए, कॉन्सिक्यूटिव इवन टर्म्स या ऑड टर्म्स की बात हो जाए, तब हम कैसे लेते हैं, a+2, a+4, a+6 एंड सो ऑन, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वो डिपेंड किस पे करेगा, a क्या है। अगर आपका a ऑड है, मान लीजिए ये 3 से शुरू हुआ है, तो ये आएगा 3, 5, 7,
नौ, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इवन से शुरू होता, दो से शुरू होता, तो दो चार छः आठ, तो ये डिपेंड करेगा इवन है कि ऑड, लेकिन आपकी सीरीज दोनों केस में क्या चलेगी, ए ए प्लस टू, ए प्लस फोर, ए प्लस सिक्स, फाइन। ओके, तो अब आगे करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ रहा है सुरपिंदर जी पूछ रहे हैं, दो सवाल आ रहे हैं। एक आ रहा है एसएससी की मेंस की क्लासेस कब शुरू होंगी। एसएससी की मेंस की क्लासेस अभी हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे। और दूसरा सवाल आ रहा है कि आपका आईबीपीएस पीओ की क्लासेस का टाइमिंग क्या है। तो आईबीपीएस पीओ की टाइमिंग की क्लासेस 3 से आपकी है, 3 4 5, 5 से 6, 3 से 6 है, 3 क्लासेस चलेंगी। पर वो आपकी कब चलेंगी, वो आपकी चलेंगी टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। एसएससी चलती है मंडे वेनेसडे और फ्राइडे, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका केस कैसे चलेगा। आगे आपका केस चलेगा अगर हमें इसकी एवरेज की बात आए, तो सम देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं इसके एवरेज की बात करता हूं, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिए गए हैं, अगर हम बात करें एन तक, तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन। एक टर्म कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको क्या पता है, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ए प्लस एन माइनस वन बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू। तो यहां से आपको पता चला, अगर आपको एवरेज चाहिए तो ए प्लस एन माइनस वन लेना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब इसको हम जल्दी कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसे कोई टर्म्स आते हैं तो हमें बताया जाता है इतने नंबर्स हैं। मान लीजिए अगर आपको बोला गया 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, कितने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अब देखिए उसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर हैं तो हम जो बीच वाला नंबर है उसे एवरेज मान लेंगे। एवरेज क्या होगा, हमेशा इन 7 टर्म के जो बीच में नंबर आएगा वो होगा। अब देखिए 7 टर्म है तो आप क्या करेंगे, अगर ये लगातार वाले हैं तो इन्हें एक से बढ़ाएंगे, ए प्लस वन, ए प्लस टू और ए प्लस थ्री। और यहां से आप देखेंगे ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री, क्लियर है। अब देखो यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम इनका एवरेज निकालने के लिए इनका सम करेंगे, एवरेज निकालने के लिए इनका क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन, ये सब आपस में सॉरी कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास जो ए था वो 7 बार ए आ जाएगा। और इक्वल टू में जो भी आपका एवरेज है आप इसे डिवाइड बाय करेंगे 7, आपका एवरेज आ जाएगा, सम अपॉन नंबर। तो आपको क्या पता चला कि जब भी एवरेज और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आता है तो जो बीच वाला नंबर है वही उसका एवरेज हो जाता है, वही क्या हो जाता है, उसका एवरेज हो जाता है, जो बीच वाला नंबर आता है उन टर्म्स के जो बीच में आता है। तो उसे हम ए मान लेते हैं, इसको इस तरह बढ़ाते हुए चलते हैं, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कोई भी नंबर है, अगर मैंने कहा 6 नंबर्स हैं कॉन्सिक्यूटिव हैं, 6 नंबर्स क्या हैं, कॉन्सिक्यूटिव हैं, 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब दिक्कत क्या है, इन 6 नंबर्स का बीच वाला नंबर नहीं ज्ञात कर सकते हम, 6 नंबर्स का बीच वाला नंबर ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 6 नंबर्स का बीच वाला नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, ये ए, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, ए प्लस फोर और ए प्लस फाइव। अब इसमें कौन सा बीच वाला टर्म है, 2 टर्म एक साथ बीच में आ रहे हैं। तो जब ऐसा केस आ जाता है, जब आपके पास 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो, तो आप बीच वाला नंबर तो एवरेज जो है वो बीच में आएगा उन दोनों नंबर्स के। लेकिन हम यहां पे शुरू किससे करते हैं, ए से नहीं करेंगे, हम किससे शुरू करेंगे, ए माइनस वन, ए प्लस वन, ए माइनस टू, ए प्लस टू, ए माइनस थ्री, ए प्लस थ्री। तो जब भी आपका इवन में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, एवरेज को बीच वाला नंबर मानेंगे, इसलिए ए वाला टर्म हटा देंगे और सीरीज उसी पैटर्न में रहेगी। अगर ऑड में दे रखे हो नंबर्स, जैसे 7 8 नंबर्स का कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का दे रखा होगा, तो ए माइनस थ्री, ए माइनस टू, ए माइनस वन, ए, ए प्लस वन, ए प्लस टू और ए प्लस थ्री लेंगे, ठीक है। और अगर अगर आपके पास इवन में होगा तब आप क्या करेंगे, बीच वाला। इसी तरीके से किसमें करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव इवन ऑड वाले केस में भी करेंगे, वहां पे किस में चलेगा, 2 के डिफरेंस में। चलिए जब सवाल आएगा इस पर ऑल फर्दर फोकस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है, यहाँ पे अंजू जी पूछ रही है, जो क्रमांगत नंबर आते हैं यानी लगातार जो नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर मैं कहूँ 11, 12, 13, 14, ये आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं यानी क्रमगत नंबर्स हैं। या आप इन्हें क्या कह सकते हैं, और एग्जाम्पल देख सकते हैं, इवन या ऑड वाला कह रहे थे हम, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, जैसे 4, 6, 8, 10, कहीं से भी शुरू हो पर वो फिर लगातार चलते जाएं। जैसे अगर मैं शुरू कर रहा हूँ ऑड नंबर्स 21 से, तो 21, 23, 25, 27 and so on जानी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर हम आगे फर्दर बात करें और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर हमें कोई भी एक्स नंबर, ठीक है, एवरेज दे रखा है किसी कुछ नंबर्स का एक्स, अगर हम हर नंबर को किसी एक पर्टिकुलर टर्म से बढ़ा दें, हर एक नंबर को किसी एक पर्टिकुलर टर्म से बढ़ा दे, तो एवरेज भी उस नंबर से बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आपके पास तीन नंबर है, x1, x2 और x3, क्या है, x1, x2 और x3, तीन नंबर है, इनका एवरेज दे रखा है a, इनका एवरेज क्या दे रखा है a। अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रत्येक संख्या को c कॉन्स्टेंट से बढ़ा दिया गया, प्रत्येक संख्या को क्या किया गया, c कॉन्स्टेंट से बढ़ा दिया गया, तो आपका जो एवरेज है वो भी सी से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ये घटा दिया जाता तो एवरेज भी क्या हो जाता, सी टर्म से कम हो जाता, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस डिवाइड होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ेगा तो ये भी पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, इस तरीके के सवालों का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहा गया एक ग्रुप है, उसमें से कुछ लोग हटा दिए गए, एक ग्रुप में से कुछ लोग क्या हो गए, हटा दिए गए, तो आपके पास क्या है, कुछ लोग बचे होंगे। वो जो कुछ लोग बचे हैं उसमें क्या है, अगर आपका वो व्यक्ति गया है और एवरेज कम हो गया, क्या हो गया, एवरेज कम हो गया, तो जितना एवरेज पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति से कम हुआ है, वो वेट कौन, वो नंबर कौन लेके गया होगा, जो व्यक्ति हटा। मान लो अगर पांच लोग हैं, पांच लोगों का एवरेज वेट आपको बोला गया है 60 है, पांच लोग हैं, एवरेज वेट क्या है 60 है। एक व्यक्ति के जाने से कोई व्यक्ति चला गया, एक्स व्यक्ति चला गया, जो एवरेज है वो घटकर आपका 58 हो गया, एवरेज घटकर क्या हो गया 58 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो ये एक्स वाला व्यक्ति है वो अपने साथ कितना वेट लेके गया, देखो एक तो वो 60 किलो अपना वेट लेके गया, प्लस वो और कितना वेट लेकर गया, वो चार लोगों से 2 किलो लेकर गया, ये जो 60 है वो 58 हो गया, यानी 2 किलो कम हो गया, कितने लोगों का कम हो गया, उस व्यक्ति के जाने के बाद चार लोग बचे थे, उन चारों का 2-2 किलो वेट कम हो गया, यानी 8 किलो वेट कम हो गया। वो कौन लेकर गया, जो व्यक्ति हट कर गया है, जो व्यक्ति हटा है वो 60 किलो अपना वेट तो रखा हुआ था, प्लस ये जो एक्स्ट्रा वेट था वो भी लेकर गया, यानी कि जो आपका एवरेज है उसमें ये 8 क्या हो गया, कम हो गया, तो 60 + 8 = 68 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सवाल, ठीक है। ओके, यहां पर पूछ रहे हैं, यहां पे लवकुश ब्रह्मी जी के, सर ये कौन सी वीडियो सीरीज है, ये एसएससी की चल रही है, डिजिटल गुरुजी। ओके, आगे बात करते हैं, यहां पे आप देखिए सवाल किस प्रकार से आते हैं, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 33, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर यहां पर इवन नंबर्स है, आप देखो इवन नंबर्स हम कैसे सीरीज लेंगे, a-1 a+1 a-3, हमने कहा था ना इवन ऑड के केस में क्या चलेगा, 2 से चलेगा, a+3। यहां पे आपका फिर क्या हो जाएगा, एक और टर्म आएगा, 6 थे ना, a-5, और यहां पे आ जाएगा a+5। आप देखो यहां से क्या हुआ, 6 टर्म बन गए, a-5 a-3 a-1 a+1 a+3 a-+5। तो आपको क्या पता चल रहा है, देखो जो एवरेज है वो बीच वाला नंबर होगा ए, एवरेज क्या होगा, इनके बीच वाला नंबर होगा ए, इससे ये नंबर कितना ज्यादा है 5, तो आपका लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 33 + 5, यानी कि 38। देखिए कैसे किया, हमने अपनी सीरीज बना ली, सीरीज कैसे बनेगी, a-5 a-3 a-1 a+1 a+1 a+3 a+5, ठीक है। एवरेज क्या होगा, इनके बीच में कहीं आएगा, यानी कि यहां से कितना ज्यादा होगा, 5 ज्यादा होगा, 33 + 5 = 38।
अब कई लोग इसको फॉर्मूले से भी याद रखते हैं, अगर आप फॉर्मूले से समझना चाहें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन। ए क्या है, एवरेज, एन माइनस वन फॉर्मूला लगाया तो 33, एन माइनस वन 6 माइनस एक 5 हो जाएगा, 5 ऐड हो गया 38 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 61, द लार्जेस्ट नंबर इज। हमने आपको बताया था जब आपके जो नंबर्स हैं वो क्या दे रखे हो, 7 या 8 ऑड में दे रखे हो, तो हमारे पास एग्जैक्टली बीच वाला नंबर आ जाता है। अगर एग्जैक्टली बीच वाला नंबर आपका एवरेज है, अब यहाँ पे सीरीज क्या चलेगी, ए प्लस वन, ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए प्लस टू, ए प्लस सॉरी ए प्लस थ्री ऑड इवन का है ना, और ए प्लस फाइव, ए माइनस फाइव, ये सीरीज चली आपकी। ठीक है, अब यहां पे आपको एवरेज पता है कितना है, 61। लार्जेस्ट नंबर चाहिए यानी ए प्लस फाइव चाहिए, तो 61 प्लस फाइव। ठीक है, सॉरी यहां पे गलत लिखते हैं, सीरीज कैसे चलेगी, ए ए माइनस टू, ए प्लस टू, ए माइनस टू, इवन वाला ही चला दिए थे हम, ए माइनस थ्री सॉरी ए माइनस फोर, ए माइनस सिक्स, ये चलेगा ए प्लस फोर, ए प्लस सिक्स, दो का डिफरेंस से चलेगा ना, इवन ऑड वाला केस है, ऑड कितने पे होगा, दो का डिफरेंस, हमने इवन वाला केस चला दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 61, और यहाँ पे हो जाएगा 61 प्लस 6 आपका आ जाएगा 67, आंसर आ गया 67। देखो एवरेज क्या होगा इसका, एग्जैक्टली बीच वाला टर्म होगा, एग्जैक्टली बीच वाला टर्म होगा यानी चौथा टर्म होगा, तो चौथा टर्म अगर 61 है, फिर ऑड नंबर है तो 63 आएगा, फिर 65 आएगा और फिर 67 आएगा, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, तो बहुत बढ़िया बात है, जिन जिन का आंसर आ रहा है, आप इसका फॉर्मूला फिर से वही लगा देते हैं कई लोग, ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूले से जानना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 61 प्लस 7 माइनस वन, ये 6 हो गया, 61 प्लस 6 67 आंसर आ गया, क्लियर है। ओके, यहां पे 77 नहीं होगा डियर, 77 कहां पहुंचा दोगे यार, साथ ही तो टर्म है, एवरेज आपका 66 है, 61 है, तो ज्यादा से ज्यादा इससे 6 वैल्यू ज्यादा है बस, इससे आप थोड़ी ना है, तो आप इतना ज्यादा 77 तो बहुत ज्यादा हो गया, 67 लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो यहां पे क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर, कोई 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो 29 है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को हटा दिया गया, द एवरेज बिकम्स 27, द एवरेज विल बी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, जो हटाई गई संख्या है उसे आप ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने अभी आपको ऐसा एग्जाम्पल बताया था, क्या बताया था, अगर 5 नंबर है उनका एवरेज है 29, ठीक है, तो जो संख्या है सबके पास 29 होगा, कह सकते हैं कि पांचों संख्या के पास कितना है, 29 29 29 और 29, पांचों के पास। अब जो व्यक्ति खुद गया वो 29 वैल्यू लेकर गया, प्लस उसने क्या किया, सबसे दो 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 कम कर दिया, देखो 29 से 27 हो गया, सबका वैल्यू कितनी हो गई, दो कम हो गई, यानी वो दो सबसे लेकर गया, कितने लोगों से लेकर गया, एक दो तीन चार, चार लोगों से दो लेकर गया, तो 2 × 4, अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 प्लस 8 37, ठीक है, आंसर आ गया 37। हम देख रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के आंसर आना शुरू हो गए, अंकित जी हैं, ओके, वर्षा जी हैं, दर्शक जी 35 नहीं, चेक करिए एक बार, आपने से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं आंसर आना, श्याम, अमित, बहुत सारे लोगों के आंसर आना शुरू हो गए, तो बहुत बढ़िया, जिन जिनके आंसर आ गए, क्या करना था, 29 था, 29 में चार लोगों से दो दो कम हुआ यानी 8 कम हुआ, चार लोगों से दो दो कम हुआ, 8 कम हुआ है यानी इसमें 8 ज्यादा था, तो 29 प्लस 8 37 आंसर आ गया, फॉर्मूले से नहीं करवा रहे आज हम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इज 50 ईयर्स, 36 स्टूडेंट का एवरेज कितना था, 15 वर्ष था,
व्हाट व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड टू इट द एवरेज इंक्रीज बाय 15। अब देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या मान लें अगर 36 कैंडिडेट्स थे, कितने कैंडिडेट थे 36, टीचर और आता और वो 15 वर्ष का ही होता, टीचर की भी एज कितनी होती 15 वर्ष की होती, ठीक है। अब टीचर की एज भी 15 वर्ष थी, टीचर भी आ गया तो 37 लोग हो गए, एवरेज में कोई बदलाव आता नहीं आता, क्यों नहीं आता एवरेज में बदलाव, क्योंकि टीचर जो आया वो भी कितने का आया 15 का। अब टीचर हमने माना था अभी 15 का, तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं, पर एवरेज में बदलाव आया, कितना बदलाव आया एवरेज में, एक वर्ष से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी एवरेज किससे इंक्रीज हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पता है एक का इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। कितने लोगों में इंक्रीमेंट आ गया, 36 स्टूडेंट और एक टीचर, क्योंकि टीचर को हमने मान लिया था, यानी 37 लोगों में इंक्रीमेंट आएगा, कितने लोगों में आएगा 37 लोगों में इंक्रीमेंट आएगा, और सब में कितने का आएगा, एक एक वर्ष का इंक्रीमेंट आएगा, तो 15 के अलावा 37 लोगों के लिए टीचर एक वर्ष और ला रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 50 + 37, आपने ऐड करोगे इसका आंसर आ जाएगा 52, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर आना शुरू हो गया है, कई लोगों का 51 आ रहा है, वो क्या कर रहा है 36 और 15 को ऐड कर दे रहे हैं, नहीं, अब टीचर को भी तो ऐड करो भैया, टीचर कहां गया, टीचर का भी एक साल ऐड करो तो आपका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझा रहे क्या किया हमने, माना जो टीचर आया वो भी कितने का था 15, तो 36 तो बच्चे थे और एक टीचर आ गया, तो कितने लोग हो गए 37। अभी एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता अगर टीचर 15 का आया, पर एवरेज क्या हुआ एक से इंक्रीज हुआ, यानी टीचर को सबके लिए क्या क्या करना पड़ा, एक एक वर्ष एक्स्ट्रा लाना पड़ा, तो हमने 37 को ऐड कर दिया 15 वर्ष में, तो आपका आंसर आ गया 52, सही है। अब हम देख रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के आंसर आना शुरू हो गए, नितकर्ष जी हैं, महेंद्र जी हैं, वर्षा जी हैं, नेहा जी हैं, अंजू जी हैं, तो ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो फॉर्मूले से इसलिए कहते हैं फॉर्मूला समझ लो, ट्रिक में जाओगे फिर से समझो, क्या होता है जब फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सबको, कॉन्सेप्ट क्या कहता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष का आ जाए, ठीक है, 36 लोगों के साथ, तो अगर इन 36 का एवरेज 15 है और ये एक व्यक्ति की भी आयु 15 है, तो अब 37 लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा 15, 37 का एवरेज कितना हो जाएगा 15, एवरेज क्या है एक से इंक्रीज हो गया, यानी इस 37 के लोगों के लिए हमें एक एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर हर व्यक्ति को एक एक वर्ष से बढ़ाएंगे तो एवरेज कितने से बढ़ेगा एक से, बताया था ना, अगर सब वैल्यू को कोई एक कांस्टेंट से बढ़ाया जाए तो एवरेज भी उसी कांस्टेंट से बढ़ता है, तो अभी क्या कह रहे हैं एवरेज का जो है वो एक से बढ़ रहा है, यानी सारे नंबर एक एक से बढ़े होंगे, कितने लोग हो गए थे 37, सब एक एक से बढ़े होंगे, यानी 37 एज एक्स्ट्रा लाया होगा अपने साथ टीचर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 + 37, आपका आंसर आ गया 52, क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है द बैटिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर फॉर 64 इनिंग इज 62 इयर्स। अभी कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसा एग्जाम में आएगा क्या, तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके पेपर में ये जितने भी सवाल है आप देखेंगे तो SSC में आए हुए सवाल है, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक, ये सब SSC के आए हुए सवाल है बिल्कुल, तो देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। द बैटिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर फॉर 64 इनिंग इज 62, 64 इनिंग में 62 रन एवरेज था एक खिलाड़ी का, हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 80 रन। मान लो अगर इसका हाईएस्ट स्कोर कितना है एक्स है, तो लोएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा x - 180, हाईएस्ट स्कोर अगर एक्स है तो लोएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा इससे 180 कम हो जाएगा। अगर इन दोनों इनिंग को हटा दिया जाए द एवरेज ऑफ इनिंग्स रिमेनिंग इनिंग्स बिकम 60, यानी पहले क्या था 64 इनिंग का औसत था 64 × 62, इसलिए कर दिया औसत 64 इनिंग का 62 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया हमारे पास, क्या आ गया टोटल आ गया, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जो अब वाला टोटल है तो अब वाला टोटल कितना हो जाएगा 60 रन औसत हो गया, कितने का 64 से दो इनिंग हट गई 62 इनिंग का, 62 इनिंग का एवरेज हो गया 60, ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा क्योंकि इनके हटने की वजह से आ रहा है,
तो अब देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा। आपको जल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 62 कॉमन ले लो, यहां से आपका कितना बच जाएगा, देखो ब्रैकेट में आ जाएगा 64 माइनस 60, यानी चार बचा, चार का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 8, तो ये हो जाएगा 248। कितना हो जाएगा 248। ये क्या है, सम है, x प्लस एक्स माइनस 180 का योग आपका 248 है। अब ये इधर जाएगा, 2x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 428 को आपने 2 से डिवाइड करा, x की वैल्यू आ गई 214। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 214। कई लोगों का आंसर 19 आ रहा है, 19 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, 19 कैसे आएगा, आपको 94 कहां पहुंचा दिया, देखो दो लोगों का डिफरेंस आपका 180 है, यानी जो बड़ा वाला नंबर होगा वो 180 से ज्यादा होगा, ये तो कॉन्सेप्चुअली सही है। 94 कहां, 94 नहीं आएगा, फिर से समझो, 94 या इतना नहीं आ सकता। पहली एक बात समझो, अगर दो नंबर है, दो इनिंग है जिनका डिफरेंस 180 है, मान लो एक इनिंग x है दूसरी इनिंग y है, अगर इनका डिफरेंस 180 है, डिफरेंस कितना है 180 है, तो बड़ा वाला नंबर गारंटी से 180 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे दलाराम जी कह रहे हैं 34 मिनिमम, 214 सही मैक्सिमम, बिल्कुल सही। संजय जी का आंसर आ गया, अंजू जी का आंसर आ गया, राहुल रवि जी का आंसर आ गया, तो आ गया सबका आंसर, ठीक है, आ गया यहाँ पे। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, यहां पे अगर आपका आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अ बॉलर टुक 5 विकेट्स आफ्टर गिविंग 26 रन इन फाइनल मैच। एक बॉलर है जिसने 5 विकेट लिए हैं 26 रन देकर अपने फाइनल मैच में, ठीक है, सो हिज एवरेज इज रिड्यूस फ्रॉम 12.4, उसका जो एवरेज है वो कितना हो गया, 12 से घटकर 12.4 हो गया, 12 से घटकर कितना हो गया, 12.4 हो गया। फाइंड द एवरेज, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स आर टेकन बाय द बॉलर टिल नाउ, अब तक बॉलर ने कितने विकेट लिए, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, कोई व्यक्ति कह रहा था सर पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, तो कितने लोग हैं जिन्हें पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, एक बार रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे पिछला क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर नहीं आया, अभी भी सब लोग आंसर दे रहे हैं 214। ओके, लोगों के आंसर आ गए, एक व्यक्ति को, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसे कैसे करा होगा। लास्ट सवाल की डिस्कशन हो रहा है कि 64 इनिंग का एवरेज था 62, तो 64 × 62 कर दिया, दो पारी हटाने के बाद एवरेज हो जा रहा है 60, कितनी पारी हो गई, अब दो पारी हट गई, 64 में से दो हट गया, 62 पारी बची। हमने कहा 62 कॉमन ले लिया था, उसको सॉल्व किया था, यहां पर इस पार्ट को, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था आपका कुछ 248। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसलिए आया क्योंकि x हाईएस्ट वाला और x माइनस 180 लोएस्ट वाला, ये दोनों हट गए, तो इन दोनों का जो सम है वो 248 के बराबर होगा, फिर हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो इस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बहुत लोग बोलने लगे रिपीट सर, चल फिर से समझ लेते हैं, क्या किया था, इनिंग है 64, एवरेज है 62, सही है, तो टोटल रन अभी तक उसके कितने हो जाएंगे, 64 × 62। अब क्या किया गया, हाईएस्ट और लोएस्ट वाले रन हटा दिए, तो इनिंग कितनी हो गई 62, एवरेज कितना हो गया 60, आपने अब टोटल रन कितने हो जाएंगे 62 × 60। तो ये पहले केस का था, ये दूसरे केस का है, आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, यानी T1 माइनस T लिया, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 248। अब ये दोनों जगह का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि पारी पहले 64 थी, अब 62 हो गई, दो पारियां हट रही हैं, तो उनके जितने रन थे वो आपका कितने के बराबर आएगा, 248 के बराबर आएगा। तो हाईएस्ट रन हमने माने थे x, लोएस्ट रन हमने माने थे x माइनस 180, ये बराबर हो रहा था 248 के। अब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 214 आ जाएगी। फाइन, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अ बॉलर टुक 5 विकेट्स आफ्टर गिविंग 26 रन्स इन अ फाइनल मैच, सो हिज एवरेज इज रिड्यूस टू 12 रन्स फ्रॉम 12.4, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स आर टेकन बाय द बॉलर टिल नाउ, अब तक बॉलर्स ने कितने रन लिए हैं, वो विकेट लिए हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो अब कैसे करेंगे,
पहले कितना एवरेज था आपका, मान लो उसने एक्स विकेट लिए थे, कितने विकेट लिए थे, एक्स विकेट लिए थे अभी तक, जब तक फाइनल मैच नहीं हुआ था तब तक एक्स विकेट लिए, तो अगर उसने एक्स विकेट लिए हैं और उसका एवरेज जो था उस वक्त तक 12.4 था, तो उसने कितने रन दिए होंगे, 12.4 इंटू एक्स रन दिए होंगे, कितने रन दिए होंगे, 12.4 इंटू एक्स रन दिए होंगे। अब उसने कितने रन दिए, 26 रन और दे दिए, कितने रन और दे दिए, 26 रन और दे दिए। अब विकेट, नंबर ऑफ विकेट कितने हो गए इसके, x प्लस 5 हो गए, नंबर ऑफ विकेट कितने हो गए, x प्लस ठीक है 5 हो गए। अब हमने क्या किया, इसके इक्वल में 12 रख दिया, 12 क्यों, क्योंकि नया औसत कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपने सॉल्व किया तो 12.4 x प्लस 26 इक्वल टू 12x प्लस 60 आ गया, 12x प्लस 60 आ गया, ये इधर गया तो 0.4x इक्वल टू 60 माइनस 26 यानी कि ओके, तो यहां पे कितना हो गया, 12.4 हो गया था, ठीक है 12.4 इंटू एक्स फ्रॉम 12.4 सही है, पहले 12.4 था इंटू एक्स प्लस 26 रन और दिया, एक्स प्लस 5 किया तो ये 12x हो गया, 0.4x इक्वल टू 34 है, आपने x की वैल्यू निकाली तो ये 0.4 से डिवाइड हो जाएगा, 0.80 आ गया, ये कितनी बार जाएगा, 85 विकेट आ गए, पर ये कब आया, फाइनल मैच से पहले। अब नए विकेट कितने हो जाएंगे, 85 प्लस 5 यानी कि 90 विकेट्स हो गए, उसके टोटल विकेट कितने आ गए, 90 विकेट आ गए, सही है। यहां पे क्या हो रहा है, 180 नहीं आ रहा है, ठीक है 180 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा 180, फिर से देखते हैं, ठीक है देखिए क्या कह रहे हैं, ओके क्या कहा गया, फिर से एक बार सुन लीजिए, एक कोई बॉलर है वो लेता है एक्स विकेट, ठीक है कितने विकेट ले रहा है, एक्स विकेट ले रहा है। अब यहां पे क्या कहते हैं, अगर वो एक्स विकेट ले रहा है और आपसे कह रहा है कि अगर उसने उसका एवरेज जो था, एवरेज कितना था, 12.4। आप देखिए आपको एक चीज पता है कि अगर बॉलर का एवरेज निकालते हैं तो बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है, बॉलर का एवरेज आपका होता है टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स, बॉलर का एवरेज क्या हो जाता है, टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स। अब हमारे पास टोटल रन नहीं है, एवरेज और नंबर ऑफ विकेट्स हैं, तो हम टोटल रन कितने मान सकते हैं, उसके हो जाएंगे 12.4 इंटू एक्स, ठीक है 12.4 इंटू एक्स उसका टोटल रन हो गए। अब उसने 26 रन और दिए, अब नंबर ऑफ विकेट्स कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 5 हो जाएंगे, और एवरेज कितना हो जा रहा है, 12। अब आप इस बार सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 85 आएगी, अब तक पूछा है फाइनल मैच के बाद तक तो 5 विकेट और ले लिए थे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 90 आंसर आ जाएगा, तो अब लोगों का आंसर 90 आना शुरू हो गया है। चल ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करते हैं, ठीक है अगर यहां पर दे रखा है एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 77, तीन संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 77, द फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, अगर थर्ड नंबर ए बी और सी, तीन नंबर है ए बी सी, अगर सी एक्स है तो बी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, सही है 4x प्लस 2x प्लस x हो गया, इनका जो एवरेज है वो 77 है, यानी अगर इनको मैं ऐड कर दूं और डिवाइड बाय 3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 77, एवरेज 77 दिया है, फर्स्ट नंबर आपसे पूछा है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 7x डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 77, तो 7 से ये चला जाएगा 11 बार, x की वैल्यू आपकी आ गई 33। फर्स्ट नंबर a है, a को हमने माना था 4x, यानी आप क्या करेंगे, 33 इंटू 4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 132। ठीक है यहां पे हम देख रहे हैं 132 आना शुरू हो गया, तो बहुत बढ़िया, ठीक है तो यहां पे आंसर 132 आना शुरू हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द एवरेज द 3 इयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 17 इयर्स,
3 वर्ष पहले, ठीक है, एक फैमिली है जिसका एवरेज कितना था, 5 मेंबर्स का 17 ईयर्स था। अब वो आपसे कह रहे हैं 17 ईयर्स, अ बेबी वॉज बॉर्न एंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टूडे। अब उनकी जो एज है, मान लो अगर 3 साल पहले उनका एवरेज एज 17 था, कितने लोगों का, 5 लोगों का, ठीक है, एवरेज एज 5 लोगों का कितना था, 17 था। अब वो कह रहे हैं आज 3 साल बाद, 3 साल बाद इन 5 लोगों का एवरेज कितना हो जाना चाहिए, अगर सोचा जाए तो 20 हो जाना चाहिए, सब 3 3 साल से बढ़ जाएंगे तो उन 20 का कितना हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। पर एक बेबी बॉर्न हो जाने के कारण एवरेज 17 ही रहता है, एवरेज कितना रहता है, 17 ही रहता है। जब क्या हो रहा है, एक बेबी आ जा रहा है, बेबी कितने का होगा, 6 लोग हो गए। वो कह रहे हैं अब कितने लोग हो गए, देखो 5 लोग पहले थे, अब एक व्यक्ति और आ गया तो कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए, ठीक है, एक बच्चा और आ गया तो कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। अब आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 17 लोगों का एवरेज जो है वो 6 लोगों का है, एवरेज 6 कितने लोगों का है, 6 लोगों का एवरेज है 17, तो 17 × 6 कितना होता है आपका, 102 होता है। एक्चुअल में अगर वो 5 लोग लेते तो एवरेज कितना हो जाता, 20 × 5 100 हो जाता, 100 टोटल उन 5 लोगों से बन रहा था, 102 है, यानी जो बच्चा होगा उसकी एज कितनी होगी, 2 होगी, जो बच्चा आया है उसी की वजह से क्या हुआ, आपका वैल्यू 2 वर्ष बढ़ा है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपका जो एवरेज वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।